गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। घोड़ा ऊपर बैठा बैठा तो ये बैठा घोड़ा ऊपर तो डायोजनीस सोता, ये कहीं उठा नहीं डायोजनीस, वो भय नहीं थिया। तरे आ सिकंदर इने कहे कि तमे मने ओळखो जो, तो डायोजनीस कहे तू मने ओळखे छे, तो सिकंदर कहे कि तमे मने नहीं ओळखता होय तो हूं तमने कहूं कि आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट, हूँ सिकंदर महान छू। तो डायोजनीस कहे तो आई एम डायोजनीस द ग्रेट, तू सिकंदर महान हो तो तू तारी जग गया, हूँ तो डायोजनीस महान छू। तो सिकंदर ने एम लगे को हो आ व्यक्ति मारा थी अभिभूत थतो नथी, तो इटले सिकंदर थोड़ा नरम पड़ा। अने सिकंदर एमने पूछे कि हूँ तमने शू आप, हूँ आटलो महान छू तो हूँ तमने शू आप। तो डायोजनीस कहे लेट द सनशाइन कम टू मी, यू आर इन द वे बिट्वीन मी एंड द सन, गेट आउट। मारा ने सूर्य नी बच्चे तू उभो छे, तू मने कहीं आपवा मांगे तो हटी जा, ये रोशनी आवा दे। तारे सिकंदर तो गबड़ाई गया, ओहो, अने हटी गया। पछी सामे आवीने उभा रह्या, त्यारे डायोजनीस जेने पूछे कि तू क्यां जाय छे, आटली मोटी सेना लईने क्यां जाय छे? त्यारे सिकंदर कहे कि हूँ अहींथी जाऊं छू हिंदुस्तान ने जीतवा जाऊं छू। अच्छा तो हिंदुस्तान ने जीती ने पछी शू करवानो? के पछी एना आगळ जे बर्मा आदि देश छे एने जीतवानो, पछी एना आगळ के बधी चाइना ने बीजा देश बधा एने जीतवानो, अने हूँ सारी विश्व सारी धरती ने जीती लेवानो। त्यारे डायोजनीस कहे कि पण एक धरती ने जीती लेवानो पछी बीजी धरती क्या, तो एने जीतवा जवानो? तो सिकंदर थोड़ो मोड़ो पड़ी गयो, तो कहे मारे आ धरती ने जीती लीधा पछी पूर्ण शांति थई जशे। त्यारे डायोजनीस कहे पछी तो शू करवानो? तो कहे पछी शांति थी मरवानो। शू कहे? हूँ शांति थी मरवानो। त्यारे डायोजनीस कहे कि आटली खटपट कर्या पछी तारे शांति थी मरवू होय ने तो आवी जा अहीं बाजूमां, अहीं सूई जा, अहीं शांति ज छे। जेनो मन संपूर्ण वशमा आवी गयु एने कोई ऊपर पण विजय मेळवानी इच्छा रहती नथी। एटले ज्यां सुधी कोईना ऊपर विजय मेळवानी इच्छा छे तो समझी लेवानो के हजी पण त्यां थोड़ी कसर छे, थोड़ा दाणा काचा छे, हजी स्थाली पाक थयो नथी। એટલે કબીર સાહેબ સમજાવે, નારદાદિ મુનિ શાસ્તુ સિદ્ધા વાપ સરસ તથા નો સ્થિતા કેવલે નામની તેપી સર્વે મનોવશાત્, મનના પ્રપંચના કારણે જ બધા ભટકી ગયા। ચત્વારો મે મહાશિષ્યા મુખ્યસ્ત્વમ તેષુ ધર્મ ભો, હે ધર્મદાસજી મારા ચાર પ્રમુખ શિષ્યો છે અને એમાંથી તમે સૌથી પ્રમુખ છો। અને ચારના નામ ગણાવ્યા,
धर्मदास जी नंबर एक, चतुर्भुज स्वामी नंबर दो, नंबर बे बंकेजी स्वामी नंबर त्रण अने सहतेजी स्वामी नंबर चार। आ चार नु नाम गणाय। कथितस्तु मया तेभ्य सार शब्दो महाबलका। आ चार ने मैं सार शब्द नो ज्ञान आप्यु छे। तस्मिंस्ते सुस्थिरी भूय तारयिष्यन्ति सज्जनान। अने ते आ सार शब्द नो ज्ञान प्राप्त करीने अने एमनाथी ज ए परंपरा प्रमाणे सार शब्द नो ज्ञान बीजा बधा अनेकोनो उद्धार करशे। द्विधा भावं परित्यज्य ध्यायन्ति नाम केवलं वारि वायुजये योगे तेषां तत्रनो तत्रतुनो स्थितिः। कहे कि द्विधा भावनो त्याग करीने, द्विधा भाव एटले दुविधा, दुविधानो त्याग करवो पड़े। ज्यां सुधी मानवीना मनमां दुविधा छे त्यां दुविधा में दोनों गए माया मिलीन राम, दुविधा में बद्ध हो जाए। एटले दुविधानी जग्या एक निष्ठा। एटले तो कबीर साहेब कहे दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मलते रहिए, दर्पण में लग गई काई तो दर्श कहाते पाई। काई जे छे ये दुविधानी काई होई छे, अर्थात जे धूल छे ये दुविधानी धूल छे, अने ये दुविधानी धूल हटावानी होई छे, अने दुविधानी धूल हटावा माटे ध्यान योग काम करे छे। एटला माटे आ ध्यान योग नो वर्णन सद्गुरु कबीर साहेब समझावी रह्या छे। एकोत्तर शतम तेहि नामानि च भजन्ति च क्षमां शांतिं दयां धृत्वा निर्बंधा विचरन्ति ते यास्यन्ति शरणं तेषां ये जनाः मोक्षकांक्षिणः तेभ्यस्ते कथयिष्यन्ति सारनाम बलं परम। क्योंकि जे अमारा जे चार शिष्यो अने चार शिष्योनी जे परंपरा छे ए परंपरा प्रमाणे चालता गुरुजनों ने जे लोको पोताना गुरु धारण करीने एमने शरण में जईने एमना पासेथी प्रार्थना करशे तो एमने सार शब्दनो ज्ञान प्राप्त थशे अने सार शब्दना ज्ञानथी एमनो उद्धार थई जशे। धनदार गृहासक्त कर्मसंगी भवेद्यति बंधनान मुच्यते सोपी सारनाम बलेन च। पछी बाकी बधा जे बंधनोमां होय एमने पण सार शब्दनो ज्ञान बंधनमांथी मुक्त करी शके छे। ये समझायू छे सद्गुरु कबीर साहेबे धर्मदासजी साहेब ने। अने नो लभन्ते तुते मुक्तिम नानायो निर्धरन्ति वै विजित्य मन्मथम तेन सारनाम परो भवेत। एटले कह्यू के सारनाम मां प्रीतिवाला व्यक्तिए मन बनवो जोईए, कामादिक शत्रुओने कंट्रोलमां करवू जोईए, नरकस्य जीत कामस्य भवेत तस्य महत्फलम सारनाम समालम्बान मुक्तिरेव न संशयः जगति मानलाभार्थम योन्नम त्यक्त्वा पयः पिबेत विमुख सारनामनश्च सुगतिम लभते न स। आ जगतमां मात्र पोताना नामनी महिमा वधे एना माटे घणा लोको तप करता होय, तो कहे तप करे पण तपना द्वारा पण एने कोई सारनाम प्राप्त थाय नहीं। घणा एवा अन्न छोड़ी दे मात्र दूध पीए, घणा एवा होय जात जातनु तप करता होय पण ये तपना प्रभाव थी पण मुक्ति नहीं प्राप्त करी शकता, बल्कि तपना प्रभावना कारणे व्यक्ति ने अहंकार थई जाय छे कि मैं आटलू तप कर्यू। अने आ दुनिया एवी छे, दुनिया ने हजी साचा तप ने समझन ओछी आवी छे। भूख्या रहेवू एनुं नाम तप नथी, कारण घणा एवा प्राणीओ होय छे ए छ छ महीना भूख्या रहे। એમાંથી થોડાક પ્રાણીઓ ગણાવું, જે નોર્થ પોલ ઉપરના જે પોલર બિયર હોય એ પોલર બિયર 6 મહિના જ્યારે એકદમ ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે એ બરફમાં સૂઈ જાય, બરફની અંદર પોલર બિયર, અને એ 6 મહિના હાઇબરનેશનમાં રહે। દેટ કન્ડિશન ઇઝ કોલ્ડ હાઇબરનેશન। હાઇબરનેશન એટલે જીવતો તો હોય
लेकिन पूर्ण समाधिस्थ हो। हवे ये पोलर बियर ने तमे समाधिस्थ मानी लो, 6 महीना कई खातो नहीं, अने ये बर्फनी अंदर दटायेलो पड़ेलो है। जे लोग कंप्यूटर ऑपरेट करता है ना, ये लोगों ने आ शब्द याद हशे, हाइबरनेशन, द कंप्यूटर गोज टू स्लीप। तो ये जेवी रीते जारे स्लीप में जाए त्यारे पावर नहीं वापरे, कंप्यूटर जारे हाइबरनेशन में हो त्यारे पावर नहीं वापरे, एवी रीते ये पोलर बियर पण हाइबरनेशन में जाए एटले एनर्जी नहीं वापरे। एनी एनर्जी जे कहीं ने संग्रहित करेली छे ए संग्रहित करीने रहीने पड्यो रहे त्यां, पछी 6 महीना पछी जारे थोड़ी गर्मी आवानी शुरुआत थी जाए ने पछी जे पछी जागी जाए, जागी जाए ने पछी ए माछलाओनो शिकार करे। पोलर बियर नी घणी बधी एवी खासियतो होय। तो ए जे एवा प्राणीओ पण छे जे 6-6 महीना शू वरस वरस दिवस ने कई खावानुं नहीं मळे तो चाले, तो शू ए तप करे छे? कोई न खाऊं एवी स्थिति होय, मात्र खाधा वगर रहे एनु नाम तप? एनु नाम तप नथी। तप तो साची रीते एक एवी स्थिति छे, मनस्थिति, जे मनस्थिति मा कायम मन शांत रहे। नहीं तो घणा एवा होय उपवास करता होय ने एनु मन अन्न मा ज होय, एने याद आवे बीजा खाता होय तेरे जोई ने, तो उपवास शुं कामनो? तन थी उपवास कर्यो ने मन थी नहीं कर्यो। एटले तो कबीर साहेब कहे छे कि तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई। तन नो तप सरल तप छे, याद रखजो। तन थी तप करवू ए सरल छे, तमे करी शको, पण मन थी तप करवू ए अघरू छे। जारे आ मानवी ने कोई वस्तु प्रत्ये कोई प्रकारनो आकर्षण न रहे, त्यारे ये मन थयु वैराग्यवान, अने त्यारे साची रीते ये मननो तप चालू थाय छे, कारण मन संयमित थयु। अने ये मन एवुं होय, अमारा महात्माओए घणा एवा कर्या छे प्रयोगो। तमे कोई वखत जो कोई बिलाड़ी ने एकदम गरम गरम दूध पीवड़ाओ, जे बिलाड़ी कायम दूध पीती होय ना, तो एने एकाद दिवस एकदम गरम गरम दूध पीवड़ाओ तो बीजा दिवस थी दूध पीवा नहीं आवे, एनुं मोड़ू बळी जाय ने। एटले आपणे तो एक कहेवात पड़ी छे, दूध नो दाजेलो छाश पण फूकी फूकी ने पीवे। हा? दाजेलो होय दूध नो, कारण बीक लागे ने। तो एवी रीते ये मन पण क्यांक एवुं कंडीशन में आवी गयुं, पछी एने खबर पड़े। एक महात्मा, मस्त मौला महात्मा, एने एक दिवस खीर खावानी इच्छा थई, अने मन कहे गो आजे तो खीर खावी, आजे तो खीर खावी, अने वारंवार ध्यान में खीर ज आवे। पछी ध्यान में बैठा होय खीर नो वाटको देखाय, एटले पछी एने थयुं कि ओहो आ मन ने तो थोड़ोक सीधो करवो पड़े। एटले ए एक एमना जे भक्त हता ने एना घरे गया, અને એને કહ્યું કે ભાઈ આજે મારે ખીર ખાવી છે, દૂધ પાક ખાવો છે। તો એ જે શિષ્ય હતા ને એ બહુ માનતા હતા મહાત્માને, કહે કે તું એક કામ કર, 10 લીટર દૂધની ખીર બનાવ। તો કહે ભલે ગુરુદેવ, 10 લીટર દૂધની બનાવ। અને 10 લીટર દૂધની ખીર બનાવીને કહે કે બધી લાવ, વાટકામાં નહીં લીધી, બધું જે ટોપીઓ હતો ને બધો આખો ટોપીઓ લાવ।
दस लीटर दूध नी खीर नो आखो टोपियो सामे मुकायो अने पछी ठंडी करेली पीवानी शुरू करी आखो टोपियो उपाड़ी वाटका में आखो टोपियो उपाड़ी मोड़े लगायो किलो डोड़ किलो अंदर गई तो पछी टोपियो फरी उपाड़ो अने फरी पीवानी शुरुआत करी तो जो अंदर किलो डोड़ किलो गई तो यही बाहर आई कारण तमे जबरदस्ती करो तो ये थाय ना अने टोपिया में पछी पड़ी फरी पीवानी शुरुआत करी अने खूब पीधी फरी ऊंधी वाड़ी दी दीधी अने पछी जारे आवी रीते बन्ने कहे के पी पी ते मने बहु परेशान करो हूँ जारे ध्यान करवा बेसू तो खीर ज लई आवे तू एटले आज पी ज ले कि बीजी वक्त पछी पीवानी जरूर ज नहीं पड़े अने पछी कहे के पछी तो खीर नु नाम ले तो मन भागे आ मन ने साधवो पड़तो होय छे अने घणी वक्त जेने मन ने साधवो न होय तो मन दौड़ा करते हैं।